मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बरास्ता जीटी रोड लाहौर जा रहे हैं, इस हवाले से आपको इस्तकबाल, जो आप जेहलम में वो जब पहुंचेंगे तो आप उनका इस्तकबाल के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप उनका कैसे इस्तकबाल करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो जेहलम के लोगों के दिलों की धड़कन है। उनके हमेशा जेहलम में बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है, बहुत बड़े जलसे हुए हैं और बड़ी देर के बाद आ रहे हैं जेहलम। तो इंशाल्लाह ताला हस्बे साबक ये भी जो इस्तकबाल है अजीमुल शान होगा और बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब की शायान शान होगा। मियां साहब के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको मैं तो बड़ी बुरी निगाह से उसको देखता हूँ, क्योंकि ये फैसला 62-63 का जो है, ये वैसे भी इसको नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ये जो फैसला किया है कि एक बेटे ने तनख्वाह देनी थी, दूसरे ने दी नहीं है, तो वो कहते हैं इसका टैक्स दो। तनख्वाह ही नहीं ली, टैक्स किधर से देना है? इस कितने पैटी से चार्ज पे किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को मतलब डिस्क्वालीफाई कर देना, ये मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में कहीं नहीं है। मियां साहब से जेहलम की आवाम ने हमेशा प्यार किया है, तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा जो इस्तकबाल होगा वो पहले इस्तकबालों से मुख्तलिफ होगा? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, आप रेपिटेशन कर रहे हैं, लेकिन पहले इस्तकबालों से कई गुना ज़्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच।